दोस्तों, अभी तक हम इंसानों ने ब्रह्मांड के मात्र कुछ प्रतिशत हिस्से को ही एक्सप्लोर किया है। आज भी ब्रह्मांड का 95% से ज्यादा हिस्सा इंसानों की नजर से दूर है। खोज करना मानव की फितरत है, इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। तभी तो मानव उस चीज को खोजने में जुटा है जिसका कोई अंत नहीं, वह है हमारा अनंत ब्रह्मांड। आज देखा जाए तो हमारे ही बनाए गए अंतरिक्षयान पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर एक ऐसी अनजान दुनिया में है जहां घोर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। आज से करीब 46 साल पहले 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया वॉयजर अंतरिक्षयान को। वैसे इस अंतरिक्षयान का नाम वॉयजर 1 है, लेकिन इसे वॉयजर 2 के 15 दिन बाद लॉन्च किया गया था। यह इंसानों द्वारा बनाया गया पहला ऐसा अंतरिक्षयान है जो हमसे यानी हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद है। इस अंतरिक्ष यान ने शनि की यात्रा की, उनके चंद्रमाओं की ऐसी ऐसी तस्वीरें हमारे पास पहुंचाई जो वाकई में हैरान करने वाली थी। आज यह ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों के अंदर रिसर्च कर रहा है। आखिर इसने अभी तक ब्रह्मांड में क्या देखा, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यह हमसे कब तक कनेक्टेड रहेगा, उसके बाद इसका क्या होगा। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोज के लिए हमारे फ्यूचर साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बात है आज से लगभग 46 साल पहले की। तारीख थी 5 सितंबर 1977। एक ऐसे जाबाज मुसाफिर को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर रवाना किया गया जिसका मकसद था सौरमंडल के बाहरी ग्रह जुपिटर और शनि, साथ ही इनके चंद्रमा और वलयों की स्टडी करना। इन सब उद्देश्यों को लेकर यह अंतरिक्षयान अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। वॉयजर अंतरिक्षयान केवल मिशन ही नहीं बल्कि अपने साथ मानव जाति का एक ऐसा संदेश ले जा रहा था ताकि ब्रह्मांड में यात्रा करते समय किसी अन्य सभ्यता को यह संदेश मिल सके कि यह मानव जाति द्वारा भेजा गया संदेश है। यह संदेश इसके अंदर लगे ग्रामोफोन के अंदर रिकॉर्ड है। इसमें धरती के कुछ वीडियो और साउंड भरे हैं। ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क से बने हैं जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेंगे। एलियन सभ्यता के लिए मानव जाति का एक मैसेज है। रफ्तार के मामले में यह अंतरिक्षयान वॉयजर 2 से काफी ज्यादा फास्ट था। इस वजह से यह अंतरिक्षयान एस्ट्रॉइड बेल्ट के क्षेत्र को वॉयजर 2 से पहले पार करने में कामयाब रहा। अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करने के बाद यह मुसाफिर 5 मार्च 1979 जुपिटर प्लेनेट के करीब पहुंचा। इस यान ने बृहस्पति, उसके चंद्रमा और वलियों की हाई रेजोल्यूशन फोटो कैप्चर करके धरती पर भेजी। इस यान द्वारा बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र, विकिरण की भी जानकारी मिली। इसने अपनी यात्रा के दौरान जुपिटर के मून आयो पर सबसे महत्वपूर्ण और चौंका देने वाली खोज की। अंतरिक्षयान ने आयो चंद्रमा पर ज्वालामुखी होने की पुष्टि की, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि प्लेनेट की तरह ही मून का भी एक्टिव इंटीरियर हो सकता है। इस यान ने जुपिटर के पास से गुजरते हुए करीब 19,000 तस्वीरों को कैप्चर किया। इसके बाद यह मुसाफिर जुपिटर की यात्रा को पूरी करके बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से शनि ग्रह की ओर बढ़ गया। लंबी यात्रा के बाद करीब 12 नवंबर 1980 को वॉयजर 1 शनि के काफी नजदीक जा पहुंचा, जब इसकी और सैटर्न प्लेनेट के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी 1,24,000 किलोमीटर पर था। यहां पर इस अंतरिक्षयान ने शनि ग्रह की रिंग्स का काफी गहराई से अध्ययन किया, साथ ही एक नई रिंग्स की खोज की। यहां पर रहते हुए इस अंतरिक्षयान ने सैटर्न प्लेनेट के कुछ चंद्रमाओं की खोज की और उन चंद्रमाओं की तस्वीर हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाई। इस अंतरिक्षयान ने सैटर्न प्लेनेट के मून टाइटन की जो क्लोजअप तस्वीरें भेजी, उसमें ऑरेंज कलर के घने वातावरण के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से कई सालों तक इस मून की सरफेस के बारे में कई अटकलें लगाई गई। जिसके बाद इस अंतरिक्षयान का बाहरी ग्रह एक्सप्लोरेशन का अभियान पूरा हो चुका था। सैटर्न प्लेनेट को फ्लाई बाय करने के बाद यह वॉयजर 1 अंतरिक्षयान ने इतनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी को हासिल कर लिया था कि वह सौरमंडल से बाहर जा सके। इसके बाद यह मुसाफिर चल पड़ा था इसे सुदूर अंतरिक्ष की गहराई में। इस मुसाफिर को कुछ नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। इस अंतरिक्षयान ने जाते वक्त अपने कैमरे को अंतिम बार पृथ्वी की ओर घुमाया था और एक पृथ्वी की तस्वीर कैप्चर की। अभी जो आप मोबाइल स्क्रीन पर ये ब्लू डॉट देख रहे हैं, ये हमारा नीला ग्रह पृथ्वी है जिसमें हम करोड़ों इंसान रहते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में कितने बड़े हैं और क्या है हमारा अस्तित्व। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वॉयजर अंतरिक्षयान पृथ्वी की तरफ देखकर हमें अलविदा कहने की कोशिश कर रहा है। इस तस्वीर को 14 फरवरी 1990 को वॉयजर प्रथम अंतरिक्षयान द्वारा पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर की दूरी से लिया गया था। वॉयजर 1 अंतरिक्षयान ने 2012 में हमारे सौरमंडल की बाउंड्री यानी कि हेलोस्फीयर को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। इसने 121 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से इंटरस्टेलर मीडियम में प्रवेश किया था। इसी के साथ ही यह इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्षयान बन गया।
वहीं इसका जुड़वा मुसाफिर वॉयजर 2 को इंटरस्टेलर में प्रवेश करने में और 6 साल लग गए। वॉयजर 2 अंतरिक्षयान ने नवंबर 2018 में इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। अब दोस्तों, ये इंटरस्टेलर स्पेस है क्या, चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, सूर्य से बाहर की ओर बहने वाली हवाओं से सौरमंडल के चारों ओर एक बुलबुले जैसा घेरा बना हुआ है। इसके घेरे को हेलोस्फीयर और इसकी सीमा से बाहर के अंतरिक्ष को इंटरस्टेलर मीडियम यानी ISM कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है, यानी यहाँ पर एक तरह से एक बहुत बड़ा बबल बना हुआ है जो चारों तरफ से हमारे सौरमंडल को घेरे हुए है। यहीं पर सूरज से आने वाली आग की लपटें और बाहर से आने वाली खतरनाक विकिरण का सामना होता है, और यही बबल हमारे सौरमंडल को खतरनाक विकिरणों से बचाता है। इसे इंटरस्टेलर स्पेस से भी कई ऐसी जानकारियां भेजी गई जो हमारी समझ से बहुत ज्यादा अलग थी। यहाँ तक इसने इंटरस्टेलर स्पेस से एक साउंड को रिकॉर्ड किया जो सुनने में काफी डरावना था। आप भी सुनिए उस साउंड को। आज से 40 साल पहले शुरू हुई यात्रा आज भी जारी है। आज तक अंतरिक्षयान ब्रह्मांड के तमाम रहस्य को उजागर कर चुका है। इस रहस्यमय ब्रह्मांड की तमाम जानकारियां इस मुसाफिर ने हम तक पहुंचाई, लेकिन आज इस अंतरिक्षयान के काम करने की ताकत कमजोर हो चुकी है। इंसान के इतिहास में ऐसे गिने चुने मिशन ही हुए होंगे जिनसे इतनी जानकारियां हासिल हुई। वॉयजर दुनिया के पहले ऐसे स्पेस मिशन थे जिनका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था। आज 40 साल बाद भी ये दोनों ही यान खुद से अपना सफर तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम चालू करते हैं। आज 40 साल बाद तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है और ऐसे में वॉयजर यान पुराने पड़ चुके हैं। आज वॉयजर यानों से आने वाले संदेश पकड़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। ये बात कुछ वैसी है जैसे आप शहर से बाहर जाएं तो आपको मोबाइल का सिग्नल पाने में मशक्कत करनी पड़े। ठीक इसी तरह आज नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगाकर वॉयजर से आने वाले सिग्नल पकड़ता है। पृथ्वी से वैज्ञानिक वॉयजर से संपर्क करने के लिए लगभग 20 किलोवाट का एक सिग्नल भेजा जाता है जो करीब 20 घंटे के लंबे समय के बाद वॉयजर अंतरिक्षयान के पास पहुंचता है और यहाँ वॉयजर यान के सेंसिटिव एंटीना सिग्नल को रिसीव करते हैं। उसके बाद वॉयजर अंतरिक्षयान 20 वॉट का एक सिग्नल हमारी पृथ्वी की ओर सेंड करता है जो अंतरिक्ष में आते आते काफी वीक हो जाता है, और जब तक ये सिग्नल हमारी पृथ्वी तक आता है तब उसे डिटेक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है क्योंकि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी काफी कमजोर हो जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस कमजोर सिग्नल को रिसीव करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल करती है जिसके जरिए वैज्ञानिक वॉयजर से संपर्क बनाए हुए हैं। इस मिशन की शुरुआत से जुड़े हुए वैज्ञानिक बताते हैं कि आज वॉयजर एक ब्रह्मांड में इतनी दूर है जहां शून्य अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें बहुत सावधानी से वॉयजर मिशन को जारी रखना है। इसके पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा रहे हैं, दोनों के कैमरे बंद किए जा चुके हैं क्योंकि अंतरिक्ष में घुप अंधेरा है, देखने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजली बचाकर वॉयजर को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा रहा है। इसके साथ ही वॉयजर अंतरिक्षयान के कम जरूरी सभी उपकरणों को बंद कर दिया गया है। वॉयजर 1 अंतरिक्षयान के केवल 4 ही उपकरणों हैं जिनका इस्तेमाल मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड से जुड़े डेटा इकट्ठा करने और उन्हें पृथ्वी पर भेजने में किया जाता है। साथ ही वॉयजर 1 और हमारे बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में अंतरिक्षयान हमारी पृथ्वी से 159 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर स्थित है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं। आखिर हम कब तक इस अंतरिक्षयान से संपर्क स्थापित कर पाएंगे? दोस्तों, ये अंतरिक्षयान प्लूटोनियम से पावर्ड बैटरी की मदद से अपने काम कर रहे हैं जो प्लूटोनियम के डीके से पैदा हुई हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। जैसे जैसे अंतरिक्षयान समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी से दूर जा रहा है, वैसे वैसे हमारा वॉयजर अंतरिक्षयान के साथ संपर्क स्थापित करने का समय भी बढ़ता जा रहा है। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आने वाले 2025 तक वॉयजर की बैटरी पावर सप्लाई कम कर देगी जिस कारण इसमें लगे उपकरण काम करना बंद कर देंगे, और इसमें लगे उपकरण के बंद होते ही वॉयजर का संपर्क हमसे हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। संपर्क टूटने के बाद भी यह मुसाफिर इस रहस्यमय ब्रह्मांड में यात्रा करता रहेगा। इसके बाद न तो हम इससे संपर्क कर पाएंगे और न ही वॉयजर कभी हमसे जुड़ पाएगा। इसके पश्चात यह मुसाफिर विशाल ब्रह्मांड में खो जाएगा, मगर जिस दिन वॉयजर से संपर्क टूटेगा वह लम्हा हमारे लिए किसी शौक से कम नहीं होगा और इस अंतरिक्ष मुसाफिर का सफर हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ ही एक लाइक तो बनता है वॉयजर अंतरिक्ष यान के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।